लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव कोलकाता के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। गुरुवार को केंद्र सरकार के STSC एक्ट का विरोध करते हुए भारतवर्ष के सवर्ण रास्तों पर उतरे थे और विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दौरान यूपी के सिद्धार्थ नगर में सवर्णों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। सवर्णों की मांग है कि वो SC ST एक्ट के तहत कभी भी प्रताड़ित नहीं होने वाले हैं। आपको बता दें कि मंडल कमीशन के बाद ये दूसरा ऐसा मौका था जब किसी भी समुदाय ने सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया हो। सिद्धार्थ बार का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरियर पाठक बोल रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश था SC ST एक्ट के बारे में, और जिस पर हमारी केंद्र सरकार ने जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो है और एक तरह से नया अध्यादेश ला दिया है, जिससे पूरे समाज को बड़ी ही परेशानी है। और जो है आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। हम अधिवक्ता सब मिल करके जो है आज जो है ये SC ST बिल जो संशोधन लाया गया है, हम उसका प्रबल विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। अगर इसमें संशोधन वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वापस नहीं लिया जाएगा। किसका दहन किया है पुतला? पुतला जो है ये जो केंद्र सरकार की जो मोदी जी का जो है किया गया है, और चूंकि वो SC ST बिल संशोधन उन्हीं के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद शुक्रवार को करीब 1 बजे स्वप्ना बर्मन कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि स्वप्ना ने एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। एशिया गेम्स 2018 हेप्टाथलोन खेल में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी स्वप्ना बर्मन शुक्रवार को 1 बजे के करीब जेट एयरवेज द्वारा सफर कर दमदम हवाई अड्डे पर पहुंची। आपको बता दें कि ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने हेप्टाथलोन में स्वर्ण पदक जीता है। ये जलपाईगुड़ी की रहने वाली है। वह साधारण परिवार से आती है। इनकी माँ चाय बागान में काम करती है और पिता रिक्शा चालक है। हैरान करने वाली बात ये थी कि दांत में दर्द होने के बावजूद स्वप्ना ने एशियन गेम्स में अपना 100% दिया व अपना मनोबल नहीं खोया। उन्होंने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक जिताकर भारत को गौरवमय देश बना दिया है। हमें उन पर गर्व है। খুবই ভালো লাগছে, আমি ভাবতেও পারিনি যে আমার আফটার মেডেল পাওয়ার পরে এরকমভাবে ওয়েলকাম হবে কলকাতাতে। সো থ্যাংক ইউ। उल्टा डांगा की रहने वाली एक 23 वर्षीय महिला ने अपने नाबालिग प्रेमी के प्रेम में फंसकर और उसके कहने पर आकर अपनी 3 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी और अपने नाबालिग प्रेमी के साथ शादी करने का ख्वाब देखा था, लेकिन उसके इस ख्वाब पर पुलिस ने पानी फेर दिया और महिला को गिरफ्तार करते हुए उसके प्रेमी को भी हिरासत में लेकर चाइल्ड होम भेज दिया। अपने नाबालिग प्रेमी से शादी करने के लिए एक महिला ने अपनी 3 साल की बेटी की हत्या कर दी। ये घटना उल्टा डांगा थाना अंतर्गत श्यामलाल स्ट्रीट की है। अभियुक्त महिला का नाम मणि दास है, वहीं उसका प्रेमी सोमनाथ सरदार जो कि 17 वर्षीय है। पुलिस ने गुरुवार को मणि को सियालदा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत और सोमनाथ को होम में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों अभियुक्तों ने बच्ची की हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार प्रेमी के साथ मिलकर मनी पहले अपनी बेटी को एक अनजाने जगह पर ले गई और वहां पर गला घोटकर हत्या की तथा शव को रात के अंधेरे में एक मेन होल में फेंक दिया। अब आपको बताते हैं आखिर में मनी ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। फुटपाथ पर रहने वाली मनी दास का स्थानीय एक किशोर के साथ विवाहेतर संबंध स्थापित हो गया। सोमनाथ अभियुक्त महिला से उम्र में छोटा है, हालांकि उम्र से दोनों का कोई लेन देन नहीं था। दोनों ने तय किया था कि वे लोग शादी करेंगे, लेकिन उनके बीच 3 साल की जोबा कांटे की तरह थी। ऐसे में प्रेमी के साथ जीवन भर साथ रहने के लिए मणि और उसके प्रेमी ने जोबा की हत्या की साजिश रची। तय प्लान के तहत दोनों ने हत्या को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बच्ची का शव श्यामलाल स्ट्रीट में के एक मेन होल से मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा भी हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि महिला का रिश्ता स्थानीय सोमनाथ के साथ है। पुलिस ने संदेह के आधार पर मनी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। मनी ने यह भी बताया कि शादी करने के लिए सोमनाथ ने शर्त रखी थी कि वह जोबा को नहीं अपनाएगा। টিভি দেখছিলাম আপনাদের চ্যানেল দেখছিলাম
তখন এরকম শুনলাম এরকম বাড়িতে প্রতিবেশী তো, যে কারণে তুমি সঙ্গে সঙ্গে নিলাম, আমার এক বন্ধু খবর দিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে নিলাম, সে দেখলাম এরকম ম্যানেজটা খুলে আছে অন্ধকার, আমি দেখলাম চুল দেখা যাচ্ছে, ভাগ দিতে পারবো না তো আমরা, কিন্তু ওটা আইনের ব্যাপার, প্রশাসনের ব্যাপার। এই এই একটা জিনিস আপনি এলাকার বাসিন্দা বলে জিজ্ঞেস করছি, এই প্যাসেজটা দিয়ে বাড়ি কেউ যাতায়াত করে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কমন প্যাসেজ, ম্যানহোলের ঢাকনা থাকে ওরকম খোলাই থাকে? না না না, ঢাকনাটা খোলা ছিল, ঢাকনাটা অরিজিনাল যে ঢাকনা ছিল লোহার ঢাকা ছিল ওটা চুরি করে ম্যাক্সিমাম, যেমন কলকাতা শহরে ম্যাক্সিমাম যেমন চুরি হয়ে যায়, চুরি হয়ে গেছে, এটা সিমেন্টের বলে বাড়িগুলারই লাগানো। এটা কবে লাগানো হয়েছে? এটা সেটা বলতে পারছি না ওরা কবে লাগে, এমন তো নয় যে শিশুর বডি উদ্ধারের পর, না আগে লাগানো, আগে এটা আগে বেশ আগে উদ্ধার হয়েছে এবং ঢাকনা বন্ধই থাকে। হ্যাঁ ঢাকনাটা দেখ লেতে হ্যাঁ। কলকাতা সে জুড়ি কুছ বড়ি খবরে, कोलकाता के माजरहाट फ्लाईओवर हादसे में हुए घायलों से मिलने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार की शाम SSKM अस्पताल पहुंची। सीएम पहले अस्पताल के ऑब्जर्वेशन वार्ड में गई, इसके बाद मेन ब्लॉक में जाकर इस हादसे में घायल हुए नजरुल मौल्ला का हाल जाना। सीएम ने कहा कि उन्होंने सबसे मुलाकात की। माजरहाट ब्रिज तो जमीन दोज हो गया, लेकिन महानगर व आसपास 20 ऐसे ब्रिज व फ्लाईओवर है जो खतरनाक है तथा इनके गिरने का खतरा है, इनके लाइफ खत्म हो चुके हैं। गुरुवार को नवान्नों में ये जानकारी सीएम ममता बनर्जी ने दी। सीएम ने कहा कि ब्रिजों के कमजोर होने का एक मुख्य कारण है हेवी व्हीकल। गुरुवार को माजरहाट ब्रिज हादसे को लेकर सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि ब्रिज में सहने की क्षमता से अधिक वाहनों से दबाव पड़ता है। सीएम ने इसके लिए महानगर में 20 या इससे अधिक चक्का वाले वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी वाहन पुलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, सड़कों की हालत बिगड़ जाती है। पुलिस और यातायात विभाग से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए सीएम ने ये भी कहा कि राज्य भर के सभी फ्लाईओवरों या ब्रिजों के नीचे रहने वालों को हटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में भारी संख्या में रोजगार का एक माध्यम है ब्रिज के नीचे की अस्थायी दुकानें। सीएम ने कहा कि अगर किसी को रहने व खाने की समस्या है तो हम उनके लिए जितना संभव है व्यवस्था कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सियालदा ब्रिज की मरम्मत की सख्त जरूरत है, पहले भी हम लोग मरम्मत कराना चाहते थे मगर दुकानदार व हॉकर्स हटने को तैयार नहीं थे। सीएम ने लोगों से निवेदन किया कि मरम्मत के लिए दुकानदारों को हटना ही पड़ेगा। बड़ोबाड़ी जो पड़े जब एसेंशियल कम्युनिटी এটা আমরা এলাও করব, কিন্তু 20 টাকার গাড়ি আমরা এলাও করব না। এরকম ওভারলোডেড যে কার, ওভারলোডেড গাড়ি যেগুলো ধরুন 9 টন মাল বহন করার ক্ষমতা আছে, সে 15 টনের মাল নিয়ে সে স্টোনচিপ হোক, পাথর হোক, সিমেন্ট হোক, লোহা হোক, গাছের বড় বড় গুড়ি হোক নিয়ে চলছে। আপনার একটা জায়গায় ক্ষমতা হচ্ছে 9 মেট্রিক টন, আপনার 9 টন বহন করা, কত 9 মেট্রিক টন না কত বলছে 9 টন, তো সেখানে যদি 15 টন এক একজনে নিয়ে আসে তাহলে কাহা তো কতটা সহ্য করতে পারে? ব্রিজেরও তো একটা, তারও তো একটা লাইফ আছে। আমরা সকলকে বলছি সহযোগিতা করবার জন্য, ওভারলোডটা যাতে অ্যালাউড না হয় এর জন্য আমরা ইমিডিয়েট পুলিশকেও দায়িত্ব দিচ্ছি, ট্রান্সপোর্টের সাথেও কথা হয়েছে, এটা 2-3 দিনের মধ্যে টোটালটা ফাইনালাইজ করে নেওয়া হচ্ছে। সাঁতরাগাছি ব্রিজ দুর্বল আছে, উল্টোডাঙ্গা ব্রিজ দুর্বল আছে, উল্টোডাঙ্গা ব্রিজ রেলকে বারবার আমরা রিকোয়েস্ট করছি, ওটাই যেহেতু রেলের পোর্শনটা অনেকটাই আছে এবং তাদের বারবার করে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে। চিফ সেক্রেটারি নিজেও কালকে ডেকে একবার কথা বলবেন, কারণ আমরা মনে করি প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক বা স্টেট গভর্নমেন্ট হোক আমাদের সবার সবাইকে একসাথে কাজ করা উচিত। দুই হচ্ছে আমরা মনে করি যে মাঝেরহাটে একটা ছোট রাস্তা আছে নিচে দিয়ে, রেল যদি আমাদের পারমিশন দেয় সেই রাস্তাটা ক্লিয়ার করে আমরা কিছুটা যানবাহন ক্লিয়ার করতে পারব। এইরকমভাবে শিয়ালদা ফ্লাইওভার আমরা विधाननगर के दत्ताबाद में एक सप्ताह के अंदर एक और मासूम की डेंगू से NRS अस्पताल में मौत हो गई। उसकी मां पूजा चौधरी और 1.5 साल की बहन मेघा चौधरी भी बुखार से पीड़ित होकर विधाननगर के सेवा अस्पताल में भर्ती है। पड़ोसियों के मुताबिक 10 वर्षीय आकाश चौधरी पिछले 6 दिनों से बुखार से पीड़ित था। सेवा अस्पताल में डॉक्टर ने 3 दिनों तक सामान्य बुखार की दवा देने के बाद ब्लड टेस्ट की सलाह दी, जिसकी रिपोर्ट आने में 3 दिन लग गए।
मंगलवार की शाम से आकाश को सांस लेने में तकलीफ के साथ सेवा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे NRS रेफर कर दिया गया। NRS में गुरुवार को उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर सुनने के बाद लोगों ने आरोप लगाया कि दत्ताबाद इलाके को लेकर स्थानीय पार्षद की लापरवाही है। बच्चे के घर की गली में गुरुवार सुबह तक घुटनों तक पानी था। साथ ही इस घटना से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। मुर्शिदाबाद जिले में एक बाइक सवार की मौत होने के बाद उसका अंतिम क्रिया कर लौट रहे 80 लोग जिस नाव पर सवार थे वो नाव अचानक डूब गई। बताया जा रहा है कि हादसा किनारे पर ही लोगों के चढ़ने के दौरान हुआ। इस घटना में कुछ लोग तो तैर कर बाहर आ गए, वहीं कुछ लोगों को खोजने के लिए राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल थाना अंतर्गत मध्य गरीबपुरा खेया घाट में गुरुवार की शाम करीब 7 बजे एक नाव डूब गई। ये घटना उस समय हुई जब यातायात के लिए यात्रीवाही एक नाव नदी में एक छोर से दूसरे छोर पर जा रही थी। इस नाव में करीब 80 यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों के अनुसार जरूरत से ज्यादा भार होने के कारण ही ये नाव डूबी। बताया जा रहा है कि नाव ने अभी अपनी यात्रा शुरू भी नहीं की थी और किनारे पर अधिक संख्या में यात्रियों के चढ़ने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में राहत बचाव कार्य के लिए 4 स्पीड बोटों को उतारा गया। शुक्रवार की सुबह से ही राहत बचाव कर्मियों को तेज रफ्तार से काम पर लगाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार की रात बाइक हादसे में मारे गए स्थानीय युवक जहान मंडल की अंतिम क्रिया करने के बाद जब स्थानीय लोग वापस आ रहे थे तभी ये हादसा हुआ। हादसे के बाद कुछ यात्री तैरते हुए किनारे पर आ गए। उन यात्रियों को डोमकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अभी तक 3 यात्री लापता है जिनकी खोज में शुक्रवार को कृष्णा नगर और बैरकपुर से राहत बचाव कर्मियों को बुलाया गया। साथ ही हरिहर थाना और डोमकल थाने की पुलिस भी इस काम में जुटी हुई है। मालदा जिले में अपनी पत्नी व ससुराल वालों के प्रताड़ना को न झेल पाने के कारण एक युवक ने फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद युवक के परिजनों ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ मालदा के इंग्लिश बाजार थाने में मामला दर्ज करवाया। पत्नी के अवैध रिश्ते और ससुराल वालों के मानसिक अत्याचार से तंग आकर मालदा जिले के जदुपुर इलाके के रहने वाले रकी सठियार ने गुरुवार की शाम फेसबुक पर सजा की मांग करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और उसी दौरान आत्महत्या कर ली। पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ रकी के परिजनों ने इंग्लिश बाजार थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार करीब 6 साल पहले सुहानी परवीन के साथ रकी की शादी हुई थी और दोनों की 4 साल की एक बेटी भी है। शादी के बाद से काफी सालों तक रकी अपने दादा ससुर के यहाँ रहता था। रकी के ससुराल वालों ने घटना की खबर पाकर मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर मृतक रवि को वहीं अस्पताल में छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। रकी के ससुराल वालों ने इस घटना के बाद रकी के शव को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छोड़ा और वहां से फरार हो गए। रकी के परिजनों का आरोप है कि पत्नी और ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर ही रकी ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या की। रकी के परिजनों ने रकी की पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। बचर 6 आगे एक मेयर साथे बिये करे सम्बन्ध करे बिये हय तार किन्तु तार शशुर शाशुरीर बाड़ी थेके एवं नाना शशुर एवं नाना शाशुरीर बाड़ी थेके खूब मेंटाली एवं फिजिकाली टर्जित हय। তারপরে আজকে হঠাৎ ফেসবুকে আমরা বাড়িতেই ছিলাম, হঠাৎ ফেসবুকে দেখি যে এরকম এরকম ব্যাপার, মানে ফেসবুকে ফটো দিচ্ছে, পোস্ট করছে যে আমি আর বাঁচতে পারবো না, আমি সুসাইড করব, কারণ আমার শ্বশুর শাশুড়ির বাড়ি থেকে খুব অত্যাচারিত হয়েছে, আমি আর এই জীবন থাকতে পারবে না। দেশে সুসাইড করে তো ওনার উপর মেন্টালি টর্চার হয়। ওনার উনি যখন মরার সময় সুসাইড করার সময় তার ওয়াইফের নামে এবং তার শ্বশুর শাশুড়ি নানা শ্বশুর নানা শাশুড়ি সবার দিক দিকে ওর নাম বলেছে যে এরা এরা দোষী, যাদের যাদের দোষী তাদের তাদের ফেসবুকে নাম দিয়েছে। এবং কিছুদিন আগে রিসেন্টলি কিছুদিন আগে এই জিনিসটা আরেকবার করার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু আমরা সুসাইড নোটও লিখেছিল আমার কাকু রকি সাটিয়ার, সে সুসাইড নোটও লিখেছিল, তার ঘর থেকে আমরা উদ্ধার করি সুসাইড নোটটা, তখন তাকে বোঝানো হয় যে এই জিনিসটা করো না। उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहार के पूर्व विधायक व तृणमूल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को न्यू जलपाईगुड़ी से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस हत्या के बाद से पुलिस हत्यारों की खोज में जोर शोर से जुटी हुई थी। इसी के तहत पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया।
उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार में तृणमूल कांग्रेस नेता विकास मजुमदार की हत्या के मामले में इटाहार थाने की पुलिस ने सुबीर स्वर्णकार नामक एक आरोपी को डाव ग्राम इलाके से गिरफ्तार किया। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने की मदद से जलपाईगुड़ी के डाव ग्राम के निवासी आलोक सेन के घर से सुबीर के साथ आलोक को भी गिरफ्तार किया। जिला पुलिस सुपर सुमित कुमार के अनुसार जाति दुश्मनी और पैसे को लेकर ही यह हत्या की गई थी। एक घटना जो मेन एक्यूज छो सुबीर स्वर्णकार और जे गाड़ी जे चला छो प्रदीप देवनाथ ये दूजन के ओखान अरेस्ट करके आना जे हमारे तदंत बैरिए कि सुबीर स्वर्णकार गुड़ी चले तो घटना मेन इटाहारे जो मर्डर हलो मेन आसामी आ এখন আমরা ওদের কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি, তারপরে রিমান্ডে নেব, তারপরে যে আর ইনভেস্টিগেশন সেন্টার আছে তার করছি। কার বাড়ির থেকে ওদেরকে ধরা হলো? এটা আলোক সিং বললেন, বলে একটা বড় লোক আছে ওদের বাড়িতে। এটা কি লুকিয়ে ছিল, গা ঢাকা দিয়েছিল? ওরা ওখানে বাড়ি, বড় বাড়ি আছে, বাড়ির ভিতরে ছিল। আমাদের টিম গেছে লোকাল পিএসএম সাহায্য নিয়ে ওদেরকে ওখান থেকে বাড়ি গেছে। দেখ লেতে হ্যাঁ পশ্চিম বঙ্গাল সে জুড়ি কুছ বড়ি খবরে। गुरुवार की दोपहर दक्षिण दिनाजपुर जिले के निवासी 3 वर्षीय मोहम्मद दिलसाद अपने पिता अनारुल इस्लाम के साथ उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज थाने के तिलगांव ग्राम में मामा के घर घूमने गया था। मामा के घर में खेलते खेलते घर के सदस्यों की आंखों के नीचे दिलसाद तालाब के पास पहुँच गया। परिजनों को दिलसाद के न दिखने पर वे उसे ढूंढने निकले। सभी इधर उधर छानबीन करने लगे। इस बीच स्थानीय लोगों ने तालाब से दिलसाद को बरामद किया। परिजनों को खबर मिलने पर दिलसाद को कालियागंज स्टेट जनरल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने दिलसाद को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी पाकर कालियागंज थाने की पुलिस पहुंची व शव को अपने कब्जे में लेते हुए इसे अस्वाभाविक मौत का मामला करार दे दिया व शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज जिला अस्पताल भेज दिया। 3 साल के दिलसाद की मौत के बाद से सिर्फ परिजनों में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में मायूसी का माहौल छा गया। পয়সা চেয়েছে, ও মা পয়সাও দিয়েছে, পয়সা নিয়ে ও পাশের দোকানে গেছে আর কি, পাকা রাস্তার ধারে ওখানে বাড়ি, ওখানে দোকান, তারপর দোকান দেখছে বন্ধ, তো দোকানদারের বাড়িতে গেছে। বাড়িতে যখন গেছে তখন বাড়ির যে মালিক, দোকানের মালিক মালিকানি ওর বউ বলছে যে ও পায়খানায় আছে, তো পায়খানা আছে বাড়ির বাইরে। এই বাচ্চার মাথায় সেন্সে ঢুকে গেছে যে পায়খানায় যাই, তাহলে ওই পায়খানায় যেতে গিয়ে মনে হয় এই ঘটনাটা ঘটেছে, পড়ে গেছে। কোথায় পড়ে গেছে? পুকুরে। তারপরে পেলেন কি? যখন দেখছি বাচ্চা আসছে না তখন ওদের বাড়িতে খোঁজ করতে গেছে, বলছে বাচ্চা তো আসছিল, বাচ্চা তো বাড়ি চলে যাওয়ার কথা, ও তো বলছিল পায়খানায় আছে। ওইভাবে খুঁজতে গিয়ে দেখতেছে নাই, তার 10 মিনিট পরে তখন পুকুরের ওখানেই পেয়েছি। ফিলহাল ইস বুলেটিন মে ইতনা হি, হামে দিজিয়ে ইজাজত, নমস্কার। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।